हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते रहते हैं, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फिलहाल हम क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक 100 वाट 220 वोल्ट का बल्ब 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा हुआ है, तो बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति होगी, यानी आपसे पावर पूछ रहा है, पी पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए, 100 वाट यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है और उसके बाद वी दिया हुआ है। फिर आपको यहाँ से क्या निकाल लेना है, आर निकाल लेना है, और इसका फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी, यानी पहले आपको आर फाइंड आउट करना है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा आर का, वो आ जाएगा 484 ओम, यानी हमने आर निकाल लिया। फिर क्या हो गया है कि उसका वोल्ट की सप्लाई अलग कर दी गई, यानी 110 वोल्ट वी चेंज हो गया है फिर से। यहाँ वी दूसरा था और यहाँ वी दूसरा हो गया है, यानी वी हमें न्यू वी मिल गया है और आर हमने निकाल लिया है। फिर हम वही सेम फार्मूला लगाएंगे, पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर, जहाँ से हम पी निकालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 25 वॉट, यानी कि आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है, यानी कि कौन सा अभिलक्षण, कौन सी प्रॉपर्टी उसकी चेंज नहीं होती है। ऑप्शन आपके पास तीव्रता, चाल, आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य। तो कमेंट करके बताइए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगी कि जो उसकी आवृत्ति होती है वो चेंज नहीं होती है, वो सेम ही रहती है और बाकी की क्वालिटीज चेंज हो जाती हैं लेकिन आवृत्ति चेंज नहीं होती थी। यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि लंबे पाइप अर्थात खोखले तांबे के बेलनाकार चालक में से दिष्ट धारा बह रही है तो इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, यानी एक बेलनाकार क्या है, चालक है खोखला तांबे का, और उसमें कह रहा है कि दिष्ट धारा क्या हो रही है, बह रही है, तो इसके कारण जो दिष्ट धारा बह रही है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कौन सा होगा, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो कौन सा होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके पास केवल पाइप के अंदर, यानी कि सिर्फ पाइप के अंदर रहेगा, या सिर्फ पाइप के बाहर रहेगा, या ना पाइप के अंदर रहेगा और ना ही बाहर रहेगा, या पाइप के अंदर और बाहर दोनों जगह होगा। तो राइट ऑप्शन बताइए कौन सा हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो केवल पाइप के बाहर होगा, क्योंकि दिष्ट धारा कैसी बहेगी, ऐसे दिष्ट धारा बहेगी तो चुंबकीय जो क्षेत्र होगा वो आपका बाहर उत्पन्न होगा। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा का सोर्स क्या है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसे आप इजीली बता सकते हैं और कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ऑप्शन आपके पास नाभिकीय विखंडन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, साइक्लोट्रॉन या नाभिकीय संलयन। तो राइट ऑप्शन बताइए कौन सा होगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा का जो सोर्स है वो है नाभिकीय संलयन। तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी प्रिज्म से यदि पीला प्रकाश न्यूनतम विचलन कोण पर आपतित होता है तो क्या होगा। आपतन कोण निर्गत कोण की अपेक्षा छोटा होता है, आपतन कोण तथा निर्गत कोण बराबर होते हैं, आपतन कोण निर्गत कोण की अपेक्षा बड़ा होता है, या आपतन कोण तथा निर्गत कोण का योग 60 डिग्री होता है। देखिए आपतन कोण निर्गत कोण क्या होता है, जब ये देखिए ये एक समतल सरफेस है, जब कोई प्रकाश इस पर पड़ता है तो ये आपतित किरण होती है, जब परिवर्तित होकर जाती है तो ये क्या होती है, परावर्तित किरण होती है। तो ये आपतन कोण बनता है और ये आपका परावर्तन या अपवर्तन कोण बनता है। तो वही पूछ रहा है कि यदि ये प्रकाश हम किसी समतल दर्पण से ना होकर एक प्रिज्म से गुजारते हैं, यदि पीला प्रकाश न्यूनतम विचलन कोण पर हम आपतित करते हैं तो उसके आपतन कोण, सॉरी हाँ यहाँ पास हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे, तो ये आपतन कोण और निर्गत कोण में क्या रिलेशन होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आपतन कोण तथा निर्गत कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, दोनों सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब बनाया जाता है। याद करिए जो वाहन होते हैं यानी कि जो आपके बस हो गए, ट्रक हो गए या मोटरसाइकिल हो गए, तो उनमें जो मिरर लगा होता है उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि जो इमेज दिखाई देती है वो आपको एक्चुअल इमेज से छोटी इमेज दिखाई देती है। तो वहाँ क्या लगा होता है, वहाँ उत्तल दर्पण प्रयोग हुआ होता है। तो यानी वस्तु से बड़े आकार का यहाँ पूछ रहा है, छोटे आकार का नहीं। छोटे आकार का अगर पूछता तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ आपसे बड़े आकार का पूछ रहा है तो बड़े आकार का ऑप्शन हो जाएगा अवतल दर्पण द्वारा। यानी छोटे आकार का देखना है तो हम उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं और बड़े आकार का देखना है तो हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप वगैरह में छोटी चीज को क्या बहुत ज्यादा बड़ा करके, वो बहुत ज्यादा जूम करके दिखाता है, तो वहां अवतल दर्पण का इस्तेमाल हो सकता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर वाहन की बात की जाए तो वहां उत्तल दर्पण का ही इस्तेमाल होगा। तो इस क्वेश्चन के बिहाव पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और समतल दर्पण में क्या होता है, एज इट इज दिखाता है, जैसे कि हम मिरर में देखते हैं वो क्या होता है, समतल दर्पण होता है, हम जैसे होते हैं वैसे ही वो दिखाता है, ना छोटा ना बड़ा। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के बिहाव पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कोई ऊर्जा सोर्स है जो लोड में स्थिर धारा प्रवाहित, यानी कोई ऊर्जा स्रोत लोड में स्थिर धारा प्रवाहित करेगा यदि इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो, शून्य हो, शून्योत्तर परंतु लोड के प्रतिरोध से कम हो, लोड के प्रतिरोध के बराबर हो या लोड प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक हो। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि कोई ऊर्जा सोर्स है लोड में स्थिर धारा प्रवाहित करेगा यदि उसका आंतरिक प्रतिरोध जो है वो लोड प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक होगा। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, यानी जो समतल दर्पण होता है ये वाला जो हम देखते हैं, यानी कि जो हम खड़े होकर देखते हैं समतल दर्पण में अपने आप को, तो उसमें जो वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या होती है, ये आपसे पूछ रहा है। ये देखिए यहाँ एक समतल दर्पण है और ये एक पर्सन है जो अपने आप को देख रहा है, एज इट इज दिख रहा है, तो ये क्या है, समतल दर्पण है। और वही आपसे पूछ रहा है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है, शून्य होती है, 25 सेंटीमीटर होती है या 25 सेंटीमीटर। यहाँ दोनों ऑप्शन सेम कर दिए हैं सी और डी, फिर भी आप कमेंट करके बताइए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगी, समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है ये क्या होती है, अनंत होती है। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी चालक की प्रतिरोधकता वो चालकता का गुणनफल निर्भर करता है, यानी प्रतिरोधकता जो कि R होती है और चालकता का गुणनफल जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, काट क्षेत्रफल पर, ताप पर, लंबाई पर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी किसी चालक की प्रतिरोधकता वो चालकता का जो गुणनफल होता है वो इनमें से किसी पर भी निर्भर नहीं करता है, ना ही काट क्षेत्रफल पर, ना ही ताप पर और ना ही लंबाई पर। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इन्हें हल्के में मत लीजिए, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इस वजह से ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर कह रहे हैं इनमें से कौन सा सबसे दुर्बल अम्ल, यानी कि वीक एसिड कौन सा है। ये सभी एसिड हैं और इसमें से आपसे पूछा गया है कि वीक एसिड कौन सा है। पहला है HFSCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 या H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड है। तो बताइए इनमें से कौन सा सबसे वीक एसिड है, ये आपको बताना है। तो यहाँ आपका सबसे वीक एसिड हो जाएगा HF, यानी HF क्या होता है, सबसे वीक एसिड माना जाता है। तो यहाँ ये ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि निम्न यौगिकों में विद्युत संयोजक यौगिक कौन सा है, विद्युत संयोजक यौगिक क्या होते हैं, कमेंट करके बताना है आपको, अगर नहीं आता तो फिर मैं आपको बताऊंगी। ऑप्शन आपके पास HCl, NH4Cl, BCl3 या AlCl3 निर्जल। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कौन सा हो जाएगा इसमें, NH4Cl, यानी विद्युत संयोजक यौगिक कौन सा होता है, NH4Cl होता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है इनमें से कौन सा यौगिक अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। अब आप ये बताइए कि अष्टक नियम होते क्या हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको आता है अष्टक नियम तो आप आसानी से बता पाएंगे कि इनमें से कौन सा यौगिक अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। ऑप्शन आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड, फास्फोरस, पेंटाक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड या बेरियम नाइट्रेट। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड होता है वो आपका अष्टक नियम का पालन नहीं करता। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि ताप परिवर्तन पर निम्न में से कौन सा सांद्रण मापदंड प्रभावित नहीं होता। अपने मोलरता, मोरलता, मोलरता और नॉर्मलता, ये सभी चीज़ें
आपने आप केमिस्ट्री में पढ़ी होंगी, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है, वो भी फिजिकल वाले से, यानी फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है उनमें ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मोललता जो होती है वो ताप परिवर्तन पर निर्भर नहीं करती है, यानी उससे प्रभावित नहीं होती। आप ताप परिवर्तित करेंगे फिर भी मोललता पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है निम्नलिखित पदार्थों में से कौन कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में नहीं आता है, यानी कार्बोहाइड्रेट आपने आप देखते ही होंगे कि लोग बोलते हैं कि चावल में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, तो वही आपसे पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में कौन सा नहीं आता है, मैनोज, स्टार्च, ग्लिसराल या सेल्युलोज। तो राइट ऑप्शन बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें, ग्लिसराल। ग्लिसराल जो है वो कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में नहीं आता है। इसके अलावा स्टार्च, मैनोज, सेलुलोज ये सभी आपके कार्बोहाइड्रेट्स की श्रेणी में आते हैं। स्टार्च किस में पाया जाता है, आलू में स्टार्च होता है, आई थिंक चावल में भी स्टार्च होता है, ये मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन हाँ आलू में स्टार्च पाया जाता है। तो इस वजह से यहाँ इस क्वेश्चन के बिहाफ पे सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि स्टील को जंगरोधी बनाने के लिए इनमें से कौन सी धातु मिलाई जाती है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि स्टील जो बना होता है वो किसके मिश्रण से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन के ऑप्शन है आपके पास क्रोमियम, एल्युमिनियम, कार्बन या कॉपर, यानी स्टील को जंगरोधी। स्टील में आपने देखा होगा जल्दी जंग नहीं लगती, लेकिन अगर बहुत टाइम तक रख दिया जाए, यानी अगर 4-5 साल के लिए आप किसी बर्तन को रख देते हैं तो उसमें जंग देखने को मिल जाती है। लेकिन यह ये पूछ रहा है कि जंगरोधी बनाने के लिए कि उसमें जंग ना लगे कौन सी धातु मिलाई जाती है। ऑप्शन आपके पास आपके सामने है, कमेंट करके आपको बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रोमियम मिलाई जाती है। स्टील को जंगरोधी बनाने के लिए उसमें क्रोमियम धातु का मिश्रण किया जाता है, क्रोमियम धातु मिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि फलों के पकने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है, एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन या ABA। ये तो बहुत ही इजी ऑप्शन है, यानी कि बहुत ही एकदम बहुत हलवे वाला क्वेश्चन है, इसे तो आप तुरंत ही बता दीजिए कि फलों के पकने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है या फलों को पकाने के लिए हम कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ गाइस राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, एथिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है और यही हार्मोन फलों के पकने के लिए उत्तरदायी होता है। अगर एथिलीन नहीं होगा तो फल नहीं पकते, तो यहाँ ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कौन से सबसे प्रिमिटिव है, साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु, कवक या प्रोटोजोआ। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन, साइनोबैक्टीरिया जो है वो सबसे प्रिमिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि जल संवहन तंत्र निम्न में से किसकी विशेषता है, पोरीफेरा की, टीनोफोरा की या इकाइनोडर्मेटा की या कार्डेटा की। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जल संवहन तंत्र इकाइनोडर्मेटा की विशेषता है, तो सी ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है कि यूरिक कार्डेटा में क्या उपस्थित होता है, नोटोकार्ड उपस्थित होता है या नहीं होता है, नोटोकार्ड पूरे जीवन भर उपस्थित रहता है, नोटोकार्ड केवल डिम्बक के पुच्छ में उपस्थित रहता है, ये नोटोकार्ड के स्थान पर कशेरुकी कॉलम बन जाता है। ये बायो का आपका क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन बताइए इसका कौन सा हो जाएगा। यहाँ आपका सी ऑप्शन सही है कि नोटोकार्ड क्या होता है, केवल डिम्बक के पुच्छ में उपस्थित होता है, तो यहाँ सी ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है कि इनमें से कौन सा सबसे बड़ा गुणसूत्र है, सैटेलाइट गुणसूत्र, एक्स गुणसूत्र, टेलोसेंट्रिक गुणसूत्र या लैम्ब्रोस गुणसूत्र। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लैम्ब्रोस गुणसूत्र जो है इनमें से सबसे बड़ा गुणसूत्र माना जाता है। फिर कह रहा है कि फास्फोलिपिड की द्विपरत झिल्ली जो है वो किससे मिलकर बनी होती है, उसके उभयचरी प्रकृति के कारण, यानी किसके कारण बनती है, यहाँ रीजन पूछ रहा है कि जो फास्फोलिपिड की द्विपरत झिल्ली बनती है वो किसके कारण बनती है, इसके उभयचरी प्रकृति के कारण, इसके शीर्ष में असंतृप्त वसीय एसिड की उपस्थिति के कारण, इसके पुच्छ में संतृप्त तथा असंतृप्त वसीय एसिड की उपस्थिति के कारण या फास्फोलिपिड के साथ कोलेस्ट्रॉल की उपस्थिति के कारण। तो राइट ऑप्शन बताइए कौन सा हो जाएगा, यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि फास्फोलिपिड की द्विपरत झिल्ली जो बनती है वो उसके उभयचरी प्रकृति के कारण बनती है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि एक NADH के इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र द्वारा ऑक्सीकृत होने से बनता है, कोई ATP नहीं, केवल एक ATP, 3 ATP या 4 ATP। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि एक NADH के इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र द्वारा ऑक्सीकृत होने से 3 ATP बनता है।
फिर कह रहा है कि बच्चों के पाचक रस में मौजूद रेनिन पचाता है, यानी बच्चों के जो पाचक रस होता है उसमें रेनिन मौजूद होता है, तो रेनिन का क्या काम होता है, वो क्या पचाता है, क्या डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन्स को, वसा को या न्यूक्लिक एसिड को। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोटीन्स को। बच्चों के पाचक रस में मौजूद रेनिन जो होता है वो प्रोटीन्स को पचाने में मदद करता है। फिर कह रहा है कि ए बी रुधिर वर्ग दाता, यानी ए बी जिन किसी का ब्लड ग्रुप है जो डोनेटर है, उस प्राप्तकर्ता को अपना रुधिर नहीं दे सकता जिसका रुधिर वर्ग ओ है, यानी कि जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो उस रिसीवर को अपना ब्लड नहीं दे सकता जिसका ब्लड ग्रुप ओ है। क्यों, रीजन पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन आपके पास, दाता में दोनों प्रतिजन होते हैं, दाता में दोनों रोग प्रतिरोधक होते हैं, प्राप्तकर्ता में दोनों प्रतिजन होते हैं, ये दाता में प्रतिजन एवं प्रतिरोधक दोनों होते हैं। तो यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाता में दोनों प्रतिजन होते हैं, यानी कि अगर ए बी रुधिर वर्ग दाता अपना ब्लड देना चाहता है तो वो ओ ग्रुप वाले को नहीं दे सकता क्योंकि उसमें दोनों प्रतिजन होते हैं। तो यहाँ ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे उन सभी को हमने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।